क्लाइमेक्स का कुछ सीन था और मेरे गाने थे जो कि मेरे बड़ा दिल से बनाया, इसको रितु जी के लिए बनाया है और ख़ुद के लिए बनाया है और पूरी दुनिया की जो हमें प्यार करती है, पसंद करती है, उनके एंजॉय के लिए बनाया है अपनी सिनेमा के लिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है, ये पूरी यूनिट हमारी अपनी है और कोशिश रहता है कि हम सबको अपना बना के ही काम करें। और हमेशा ये मेरा उद्देश्य रहा है कि अपनों से दूर नहीं रह सकते। कोरोना काल में हमने ये समझ लिया कि हमारे अपने वही इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम कभी गलत भी बोल देते हैं, कभी सही भी बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि ये कोरोना काल में समझ में आ गया कि जीवन में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब तक जीवन चले, कब कहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। तो जब तक आप इस दुनिया में रहें, एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत। फिल्म बापजी में आप किस किरदार को निभा रहे हैं और इस किरदार के लिए क्या कुछ खास तैयारी आपको दिया करने के लिए की गई थी प्रोड्यूसर से कोई बात हुई थी आपके? देखिए, जितने भी सिनेमा बनती है फालतू रोल मुझे ही मिलता है। फालतू मतलब समझ सकते हैं, वरना चढ़ लगता मैंने समझ लिया कि यहाँ इनके लैंग्वेज में जॉली होगा। हमारे यहाँ छुछुनर बोलते हैं। बात यह है कि जब जितना छुछुनरापन होता है, जितने खत्म लड़के होते हैं गांव में, जो बिगड़े होते हैं, जो ना बाप का सुनते हैं ना माँ का सुनते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। बट कॉन्फिडेंस उनको होता है, बट वो जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं। वही एक करेक्टर है। और लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ। मैंने बचपन से, मुझे लगता है कि मैं 7 साल के था तब से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, तो शायद वो मेरे अंदर कूट कूट भरा है कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे नहीं निभाया जाता है। निभाने की तो गुण मेरे अंदर है ही, तभी शायद मुझे लगता है कि मैं 2008 से इकलौता ऑडियो का स्टार हूँ, क्योंकि मैं कभी लोगों ने मुझे अपने दिल से उतारा ही नहीं। एक साथ गायकी के क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई 4 साल 3 साल 2 साल 5 साल चलता है, लेकिन मैं 2008 से बज ही रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की मानसिकता क्या है और वो क्या चाहती है मेरे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहन हो, मैं हर चीज़ों को गाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं हर आदमी के दिल में। खेसारी जी, हाल ही में अपन